सो व्हाट्स अप फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को येलो टोन वाली फोटो का एडिट करना सिखाने वाला हूँ, वो भी लाइटरूम एप्लीकेशन की मदद से। तो आप लोग भी लाइटरूम एप्लीकेशन की मदद से कुछ इस टाइप से फोटो का एडिट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा, ताकि आप लोग भी इजी स्टेप में इस टाइप की फोटो को एडिट कर पाएंगे। तो गाइस, क्योंकि इस वीडियो के अंदर एकदम इजी स्टेप में अपनी फोटो को एडिट करना सिखाने वाला हूँ। तो गाइस, चलिए हम बिना देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि और ऐसी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहेगी। तो गाइस, चलिए हम लाइटरूम एप्लीकेशन में सारी प्रोसेस बताते हैं। तो फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं मेरा लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन होने के बाद ये आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, और यहाँ पर साइड में आपको गैलरी का ऑप्शन दिखाई देगा। सिंपली इस गैलरी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा, और आप जिस भी फोटोज़ को एडिट करना चाहते हैं उस फोटो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद गाइस, आपको साइड में बहुत सारा टूल्स का ऑप्शन दिखाई देगा। तो गाइस, सबसे पहले आपको एडिट वाले सेक्शन में आ जाना है। एडिट वाले ऑप्शन में आने के बाद आपको लाइट वाले सेक्शन में आ जाना है। तो गाइस, सबसे लाइट वाले एक्स सेक्शन में आने के बाद गाइस, कंट्रास्ट की वैल्यू को हल्का सा माइनस साइड में 9% आपको डिक्रीज कर देना है, और हाईलाइट की वैल्यू को इंक्रीज करके प्लस साइड में आपको 15%, और वाइट की वैल्यू को प्लस साइड में इंक्रीज करके 15%, और ब्लैक की वैल्यू को माइनस साइड में आपको रख देना है 19%। और इतना करने के बाद गाइस, आपको सेकेंड स्टेप में आपको आ जाना है कलर वाले ऑप्शन पे। जैसे ही आप कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे गाइस, आपके सामने चार इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे। तो आपके टेम्परेचर की वैल्यू को माइनस साइड में आपको लेकर आना है 8%, और ट्रेंड की वैल्यू को प्लस साइड में आपको रख देना है 6%, और वाइब्रेंस की वैल्यू को प्लस साइड में 26%। इतना करने के बाद गाइस, ऊपर साइड में आपको मिक्स टूल का आइकन दिखाई देगा। सिंपली इस मिक्स टूल वाले आइकन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे गाइस, आपके सामने बहुत सारा कलर खुलकर आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले रेड कलर के ह्यू की वैल्यू को आपको माइनस साइड में आपको ले जाकर जाना है 35%, और सेचुरेशन की वैल्यू को प्लस साइड में इंक्रीज करके 31%। इतना कर देने के बाद गाइस, आपको ऑरेंज कलर पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद इसके सेचुरेशन की वैल्यू को माइनस साइड में कर लेकर आना है 17%, और ल्यूमिनेंस की वैल्यू को इंक्रीज करके प्लस साइड में 12%। इतना कर देने के बाद गाइस, आपका स्किन टोन जो है कि गोरा हो जाएगा। गोरा होने के बाद गाइस, आपको ग्रीन कलर पे क्लिक करना है। ग्रीन कलर पे क्लिक करने के बाद गाइस, इसके ह्यू वैल्यू को माइनस साइड में 100% रखना, और सेचुरेशन की वैल्यू को प्लस साइड में 100%, और ल्यूमिनेंस की वैल्यू को इंक्रीज करके प्लस साइड में 49%, और इसके बाद येलो कलर पे क्लिक करना है। इसके सेचुरेशन की वैल्यू को इंक्रीज करके प्लस साइड में 100%, और ल्यूमिनेंस की वैल्यू को इंक्रीज करके प्लस साइड में 53%। और इतना कर देने के बाद गाइस, आपको एक्वा कलर पे क्लिक कर देना है। इसके सेचुरेशन को आपको माइनस साइड में 100% रखना है, और इसके ह्यू को भी माइनस साइड में 100%। इस ऐसा ही आपको ब्लू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके ह्यू को गाइस माइनस 100 कर देना है, और सेचुरेशन को भी माइनस 100 कर देना है। इतना करने के बाद गाइस, आपको डन वाले ऑप्शन पे आ जाना है, और इसके बाद गाइस, आपको एडिट का ऑप्शन के नीचे गाइस यहाँ पर मास्किंग टूल का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली इस मास्किंग टूल वाला आइकन पे क्लिक कर देना होगा, और प्लस वाला आइकन पे क्लिक कर देना है, और नीचे आना है और कलर रेंज वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे, आपके सामने एक रेड सर्कल आ जाएगा। रेड सर्कल को आपको ले जाकर मैं अपने कपड़े को कलर करना चाहता हूँ, अपने कपड़े ले जाकर सेलेक्ट करके आपको रिफाइन की वैल्यू यहाँ मिलेगी। यहाँ अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, और नीचे अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हैं गाइस, आपको कलर वाले ऑप्शन पर आ जाना है, और सेचुरेशन को इंक्रीज करके प्लस साइड में 100%, और गाइस आपको टिंट की वैल्यू को माइनस साइड में, और टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज करके प्लस साइड में कर देना है। आपका जो है कि कपड़ा भी येलो कलर में आ जाएगा। तो इतना करने के बाद आपको गाइस राइट वाले आइकन पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर साइड में आपको देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद गाइस, कलर वाले सेक्शन में आकर आपको ग्रेडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। गाइस, आपको ग्रेडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे गाइस, आपको थर्ड नंबर वाले सेक्शन में आ जाना है। थर्ड नंबर सेक्शन में आने के बाद गाइस, जिस पॉइंट को मैं जहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ अभी, वहाँ पर ले जाकर सिलेक्ट कर दीजिएगा, और इस पॉइंट को गाइस आपको रख लेना है अपने मेरे हिसाब से, मैं बता रहा हूँ। आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर गाइस सेचुरेशन की वैल्यू को 255%, और ह्यू की वैल्यू को 239, तो इतना आप भी कर देना है। तो इतना करने के बाद गाइस, मेरा आपको फोटो जो है कि हल्का सा ब्लू टोन आ जाएगा। आने के बाद गाइस, आप मेरे फोटो को देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर। तो इतना करने के बाद, इसके बाद गाइस नीचे आना है, अपने फोटो में हम डिटेल्स सेट करेंगे। डिटेल्स सेट करने के लिए डिटेल्स वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे गाइस, आपको नॉइज वाले सेक्शन में आना है, और नॉइज रिडक्शन के वैल्यू को इंक्रीज करके प्लस साइड में 70% रख देना है। इतना करने के बाद गाइस, आपका फेस भी स्मूथ हो जाएगा। तो स्मूथ होने के बाद गाइस,
मेरा फोटो एकदम बवाल तरीके से दिखने लगा है। तो अपनी इस फोटो को सेव करने के लिए ऊपर साइड में आपको शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली शेयर वाला आइकन पे क्लिक कर देना और सबसे फर्स्ट नंबर पे सेव कॉपी टू डिवाइस पे क्लिक कर देना, या फोटो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।